वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, राइट 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, ए प्लस बी होल क्यूब 3/2 x प्लस 1 होल क्यूब। तो आइडेंटिटी लिखेंगे यहाँ पे आप, आइडेंटिटी कौन सी लिखी हमने, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, क्या होती है बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ए प्लस बी क्यूब तो है ही, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका मतलब 1 क्यूब। देखो a यहाँ पे क्या है, a है हमारा 3/2 इंटू एक्स, और b क्या है हमारा यहाँ पे 1। इसके साथ कंपेयर करें 3ab और a प्लस बी एज इट इज, जो ब्रैकेट के अंदर है a प्लस बी वो एज इट इज लिखना है। अब इसका क्यूब करें, थ्री का भी क्यूब हो जाएगा, कितना हो गया 27, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, और x का क्यूब x क्यूब प्लस 1। अब ध्यान से देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 9x/2 3x/2 और प्लस 1। अब 9x/2 को इससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 27/8 x क्यूब प्लस 1, 9 को 3 से करें, 9 3 जा 27 x स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 4, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें 9x/2, क्या आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, 7 का थर्ड पार्ट, इवैल्यूएट 9 9 8 होल क्यूब यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज करके इसकी इसका क्यूब करना है। अब आपको भी पता है, अगर आइडेंटिटी मेंशन ना हो तो आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट आइडेंटिटी का यूज लिखा हुआ है तो आइडेंटिटी का यूज कैसे करेंगे, देखें इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1000 - 2, इसको लिखने के कई तरीके हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हो, बट इससे हमारी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। बेटर है इसको 1100 उसकी फॉर्म में लिखें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1000 का क्यूब और 990 के क्यूब की कंपैरिजन में क्या है, आसान है ना, इसका क्यूब करना आसान है, इसका क्यूब थोड़ा मुश्किल है। तो इस पे कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस आइडेंटिटी लिखें, यहाँ पे लिखना जरूरी है, आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब ध्यान से देखो, a हमारा कितना है 1000 है, और b कितना है हमारा 2, इसके कंपेयर करें आप, पावर तो पावर ठीक है सेम है, a हो गया हमारा 1000, b हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab 1000 × 2 ए माइनस बी, ये हमारा 1000 - 2 1000 क्यूब। सिर्फ 1000 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी जीरो आ जाएंगी, 3 3 0 3 3 0 9 जीरो आ जाएंगी, माइनस 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 6 इंटू 1 6 6000, 3 जीरो इसके साथ लगा दो, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ गया 998। माइनस पहले ध्यान रखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, मल्टीप्लाई करें 998 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें भाई, 998 को क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू विल गेट
अब इन दोनों को ऐड कर लें, दोनों माइनस के हैं, माइनस का ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 598008। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, लिख देता हूं यहां पे, देखिए इधर 8208895 माइनस करेंगे, क्या आएगा आपके पास 9940119992। अगर आपको स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।